एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। गुप्ता तुम? राधा कहाँ है? अभी भी अंदर गई है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ उसे? डॉक्टर को बुलाया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। शगुफ्ता प्लीज। मैंने तो अपने होंठ उस वक्त भी सी लिए थे जब मुझे कुछ कहने का हक था। खैर, इस वक्त तो मैं राधा को ले जाने के लिए आई हूँ। क्यों? मिस्टर बजाज के घर से फोन आया था, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। शगुफ्ता, मिस्टर बजाज ठीक तो है ना? नहीं राधा, डॉक्टर्स ने तो इस बार कहा है शायद बच भी ना सके। यहां तुम्हें फोन करके बताने की बहुत कोशिश की, शायद तुम्हारा फोन खराब था। क्यों नहीं आई? इस वक्त उनको यहाँ होना चाहिए था। उसको खबर किया है, वो जल्दी ही आएगा। कहाँ है वो? मेरा मतलब बॉम्बे में है या कहीं बाहर गई हुई है? डॉक्टर साहब वो आ जाएगा। अभी हार्ट अटैक बोलकर तो नहीं आया ना कि सब लोग जान के घर में बैठे। That's right, मैडम। लेकिन जितनी जल्दी हो सके मिसेस बजाज को यहाँ बुला लेना चाहिए। क्या कहेंगे लोग जब उन्हें पता चलेगा जिस वक्त मिस्टर बजाज को दिल का दौरा पड़ा राधा दीपक के घर में थी। लोग क्या कहेंगे ये सोचने के बजाय इस वक्त आपको राधा की जान की फिक्र होनी चाहिए। राधा की जान मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी है, लेकिन उसकी जान के साथ साथ मुझे उसकी इज्जत भी प्यारी है, और उसकी वो जगह जो सोसाइटी में है उसका भी ख्याल है। उसका ख्याल होता तो ना आज राधा यहाँ होती और ना मिस्टर बजाज हॉस्पिटल में। तो मिस्टर बजाज की हार्ट अटैक का जिम्मेदार भी तुम मुझे ठहरा रही हो? राधा की ये बेबसी की हालत, राधा का अपने बच्चे से जुदा हो जाना, राधा का अपना घर छोड़ देना, मिस्टर बजाज को दिल का दौरा पड़ना, अगर इन सब चीजों का जिम्मेदार किसी को ठहराया जा सकता है दीपक, तो वो सिर्फ आप हैं। सिर्फ आप हैं राधा की बर्बादी के जिम्मेदार, सिर्फ आप हैं मुजरिम एक हंसते खेलते घर को बर्बाद करने के। अगर मेरा कोई जुर्म है शगुफ्ता, तो सिर्फ ये कि मैंने इश्क किया है। तो क्या आपका हर इश्क दूसरे का घर तबाह करने के लिए होता है? मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, इस बात में मुझे कोई शक नहीं। आप राधा के भी गुनहगार हैं, इस बात का यकीन है मुझे। देखिए दीपक, अब भी वक्त है, आप राधा की इज्जत मिट्टी में मिलने से बचा सकते हैं अगर आप दिमाग से काम ले तो। इश्क की शिद्दत जब बढ़ जाती है शगुफ्ता, तो इंसान का दिमाग काम नहीं करता।
इश्क की शिद्दत तो सिर्फ आप ही को मालूम है ना, क्योंकि खुदा से आपने इश्क करने का ठेका लिया हुआ है। दीपक बेटा, डॉक्टर साहब आ गए हैं। तो उन्हें अंदर भेज दो ना। देखिए दीपक, अब भी वक्त है। सोचिए क्या कहेंगे आप डॉक्टर से। आइए डॉक्टर साहब। क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर साहब, इनके हस्बैंड को दिल का दौरा पड़ा था, ये सुनकर ये बेहोश हो गए। उन्हें इसी वक्त हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। जाइए एम्बुलेंस को फोन कीजिए। ओके। एक्सक्यूज मी, मे आई? हेलो। हाँ जतिन बोल रहा हूँ। क्या जतिन, तुम इधर जल्दी आ जाओ। मैन, राधा को फोन दो। राधा इधर नहीं है। राधा नहीं है, कहाँ है वो? वो दीपक के घर है। क्या राधा को मालूम नहीं मिस्टर बजाज हॉस्पिटल में? शागुफ तक गया है उसको बताने के लिए। अच्छा मैं वहाँ आता हूँ। हाँ अभी आता हूँ। क्या हुआ जतिन? मिस्टर बजाज को हार्ट अटैक आया, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। मैं भी चलूं? नहीं, तुम यहीं रहो, मैं वहां से फोन करूंगा। शगुफ्ता, अरे तुम हो कहाँ पे भाई? जी मिस्टर बजाज की तबीयत खराब है और यहाँ। तो तुम्हें उससे क्या करना है? मिस्टर बजाज को हार्ट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में है और राधा भी बेहोश पड़ी है। देखो शगुफ्ता, ना ही तुम मिस्टर बजाज के दिल की हालत बदल सकती हो और ना ही राधा को होश में ला सकती हो, समझी? मैं जानती हूँ अमृत राम जी, लेकिन दोस्ती भी कोई चीज होती है। इस वक्त इन लोगों को मेरी जरूरत है। तुम्हारे अलावा उनके और कोई दोस्त नहीं है क्या? फिलहाल यहाँ पर नहीं है। देखो तुम्हें इस वक्त यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। शगुफ्ता तुम्हें याद है आज तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, हाँ, और म्यूजिक डायरेक्टर और सब सारे म्यूजिशियंस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ देखो, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, तुम फौरन यहां चली आओ, समझी? जी अच्छा। ओके। डॉक्टर से तो इस बार कहा शायद बच भी ना सके। मिस्टर बजाज? यस। मिस्टर जतिन आपसे मिलने हैं। अच्छा भेजो ना अंदर। हेलो मिस्टर बजाज, कैसे हैं आप? ठीक। हाँ ठीक तो लगी रहे, मैं तो घबरा के इतनी जल्दी भागा, मतलब जेनी ने मुझे जैसे फोन पे बताया मुझे तो लगा जीजा जी ने टिकट कटवा ली। नहीं, अभी वेटिंग लिस्ट में। अरे नहीं जीजा जी, अभी तक वो गाड़ी ही नहीं बनी, वो लंबे सफर वाली। अभी तो आपको बहुत कुछ करना है, अपना घर बसाना। एक बार तो बसा के देख चुका हूं, फिर से बसाना है, सीधे रास्ते पे लाना है आपको, राधा को। मैंने उसका तरीका भी सोच लिया। सीधे रास्ते पर लोग अपने आप आ जाते हैं जतिन, जैसे कि तुम आ गए। राधा ठीक ही कहती थी, लगता है हमारे खानदान पे कोई श्राप है। पहले बाप बिगड़ा,
फिर माँ पागल हो गई और मैंने तो ऐसे ऐसे गुल खिलाए कि अगर खानदान की कुछ इज्जत होती भी तो मिट्टी में मिल जाती। फिर मैं सुधर गया तो राधा फिसल गई, और ऐसी फिसली कि अभी तक नहीं संभली। मैं नहीं जानता जतिन। अरे संभली होगी भी तो किस मुंह से आएगी यहां? उसकी वजह से दिल का दौरा पड़ा है आपको। अगर मेरी बहन नहीं होती तो 10-20 गालियां दे चुका होता। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे कर सकता हूँ? आखिर हर साल राखी बांधती है मुझे, उसकी रक्षा करना तो मेरा फर्ज है। ये सब उस दीपक के कारण हुआ है। उस राक्षस से जरूर बचाऊंगा मैं राधा को, और इसके लिए एक प्लान भी बना चुका हूं मैं। अच्छा, क्या प्लान? अभी तक पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ है, दिमाग में पक रहा है। जैसे ही पक जाएगा आपको बता दूंगा। वैसे आजकल आपकी कोई सेक्रेटरी नहीं है ना? नहीं। तो इस बार एक खूबसूरत सी सेक्रेटरी रखिएगा, जिसका दिल अभी अभी टूटा ना हो। मेरा मतलब है शगुफ्ता जैसी नहीं, कि नाम तो शगुफ्ता और दिल बुझा बुझा। एक्सक्यूज मी, आप जरा आहिस्ता बातें करेंगे तो बेहतर होगा। सॉरी। यहाँ और भी पेशेंट है, उनका भी ख्याल रखिए। जी। कहीं शगुफ्ता ने तो नहीं सुन लिया? नमस्ते मैडम। हाँ तो अमृताम जी, अर्ज किया है कि सर मैडम आ गई। मैडम आ गई तो मैं नाचूं गाऊं? गाने के लिए तुम मैडम आ गई। ठीक है, वो सारे म्यूजिशियंस को बुलाओ, चाय पी पी के बीमार पड़े होंगे वो। जाओ। ओके सर। मैं आया 2 मिनट। शगुफ्ता? अमृताम जी, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे आने में बहुत देर हो गई। देखो, तुम ये पहले भी कह चुकी हो शगुफ्ता, ये कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, यहाँ पे कामयाब होने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, और तुम अगर इस तरह लापरवाही बरतोगी तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगी तुम। मैंने आपसे कहा ना, मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं कह रही हो तुम। देखिए अमृताम जी, अगर मेरे किसी दोस्त को मेरी फिर जरूरत पड़ी तो मैं फिर देर से आ सकती हूँ। तो फिर आने की जरूरत भी क्या है? करती रहो सेवा ऐसे लोगों की जो इसके काबिल हैं। या आप मुझ पर छोड़ दीजिए कि मैं किसे कितना काबिल समझती हूँ। खुदा हाफिज़। शगुफ्ता, नहीं चाहिए मुझे ऐसी तरक्की, ऐसी कामयाबी जो एक इंसान को दूसरे इंसान से इतना दूर कर दे, उसके दिल को जज्बात से खाली कर दे। लेकिन मैंने ऐसा कब कहा था? गलती हर इंसान से होती है अमृतराम जी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे दोस्त ना माना जाए। I'm sorry. देखो, आज कम से कम एक गाना तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, प्लीज। हेलो मिस्टर बजाज, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? जिंदा हूँ। आप बड़े खुशनसीब हैं मिस्टर बजाज। हाँ, अगर झटका थोड़ा और जोर से होता तो आप ये बात न कह पाते। मैं आपकी जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी शादीशुदा जिंदगी की बात कर रहा हूँ। मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में आप क्या जानते हैं? जो आप भी नहीं जानते हैं। जानते हैं, जब आपकी बीमारी की खबर आपकी मिसेस को दी गई तो उन्हें सुनकर इतना शॉक लगा कि वो बेहोश हो गई, और तकरीबन 8 घंटे के बाद होश में आई। कौन? राधा? क्यों, कोई और भी मिसेज हैं आपकी? नहीं नहीं, मैं राधा की बात कर रहा हूँ। कहाँ है वो, कैसी है? अभी वो होश में है। काश वो होश में आ जाए। किस सोच में पड़ गए मिस्टर बजाज? यही कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ ये बात मुझे आज तक मालूम नहीं थी। क्या मैं राधा से मिल सकता हूँ? इस वक्त तो वो सो रही है। तो क्या राधा यही है? जी हाँ। आपको क्या समझते थे कि इस पार्टीशन के अंदर कोई और है? मैंने तो पार्टीशन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्या राधा को मालूम है कि पार्टीशन के इधर कौन है? शायद नहीं, वरना आप दोनों के बीच का पार्टीशन हटा दिया जाता। एनीवे, जैसे ही मिसेस बजाज जगेंगी उन्हें बता दिया जाएगा कि आप भी इसी कमरे में हैं। थैंक यू डॉक्टर।
शगुफ्ता, तुमने आज बहुत अच्छा गाया। शुक्रिया, लेकिन मुझे अफसोस है, मैं कुछ उल्टा सीधा कह गई। नहीं शगुफ्ता, तुमने बिल्कुल सही कहा था। इंसान को अपनी तरक्की या कामयाबी से ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए इंसानी रिश्ते। लेकिन मुझे तो कभी कभी शक होता है कि आप इंसानी रिश्तों को ज्यादा अहमियत नहीं देते। ऐसी बात नहीं। क्यों नहीं है? आज राधा हॉस्पिटल में है और आपको उसकी इतनी से भी परवाह नहीं है। एक जमाना था कि आप उसके नाम की माला जपा करते थे, उससे शादी करना चाहते थे। एक शाम राजा साहब की महफिल में। भाई एक बात तो हमने भी महसूस की है कि जब भी राधा सामने होती है तो आप कुछ खो से जाते हैं। हाँ ये बात तो सच है, और ना ही ये बात मैं तुम लोगों से छुपाऊंगा कि मैं राधा से शादी करना चाहता हूँ। याद है ना सब कुछ? क्या शगुफ्ता, के जो चीज मेरे नसीब में नहीं है मैं उस पे आंसू नहीं बहाता। कैसी हो? आपके सामने हूँ। हाँ राधा, बहुत दिनों के बाद आज तुम मेरे सामने हो। आंखों को यकीन नहीं आ रहा। डॉक्टर ने बताया कि जब तुम्हें पता चला कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है तो तुम बेहोश हो गई। शायद ऐसा ही हुआ होगा। मैं सोच रहा था कि प्रिंस कैसा है। अच्छा है। मुझे याद करता है? हाँ करता ही होगा। क्यों, आप उससे मिले नहीं क्या? बहुत दिन हो गए। क्यों? आखिरी बार मैं उससे हॉस्टल में मिला तो उसने कहा आप अकेले मुझसे मिलने मत आना डैडी, मम्मी को भी साथ लेकर आना। तो क्यों नहीं लेकर गए मुझे साथ? कभी कहने का भी मुझे मौका नहीं मिला। आप कह रही हो? हाँ। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी तो उसे हॉस्टल में मिलने चलेंगे। नहीं, उसे घर पे लेके आइए। आइए राजा साहब। भाई वो रोमियो जूलियट और हीर रांझा के जमाने में तो हमने सुना था कि ऐसा होता था कि चोट एक को लगती थी और तकलीफ दूसरे को होती थी, लेकिन आप दोनों ने ये साबित कर दिया है कि आज भी इश्क होता है और बिल्कुल वैसा ही होता है। राजा साहब, बहुत हैरानी भी हुई थी और दुख भी कि रानी साहिबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। Part of the game, Mr. Bajaj. लेकिन रानी साहिबा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आखिर उन्हें क्या लेना देना था दूसरी औरतों के चाल चलन से? अब अगर कोई औरत बदचलन है तो रानी साहिबा को क्या फर्क पड़ता था? खुद तो मुसीबत में है ही, हमें भी मुश्किल में डाल दी। अब जहां जाओ इसे साथ लेकर जाना पड़ता। आप इसे हॉस्टल में क्यों नहीं डाले? हाँ हॉस्टल में अभी सोचा नहीं कुछ इस बारे में। इसके सिवा कुछ चारा भी तो नहीं। अगर मां घर में ना हो तो और क्या किया जा सकता है? हाँ, इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात और क्या होगी कि एक हम ही कैसी बातें लेकर बैठ गए। अच्छा ये बताइए डॉक्टर क्या कहते हैं, आप लोग घर कब जा रहे हैं? अभी तो कुछ कहा नहीं डॉक्टर ने। पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन राधा तुमने कमाल कर दिया, बजाय सेवा करने के तुम भी बजाज साहब का पल्लू पकड़ के बैठ गई। रानी साहिबा का केस कब शुरू हो रहा है? अब जब रानी साहिबा ने अपना जुर्म कबूल ही कर लिया है तो फिर केस कैसा? पर वो अपनी माफी पेश करके सजा कम भी तो करवा सकती है। वल राधा ये तो जज साहब पे भी डिपेंड करता है। वो हम फिर वही उदास उदास बातें लेकर बैठ गए।
अच्छा आप ये बताइए कि हॉस्पिटल से वापस आने पर पार्टी आपके घर में होगी या मेरे घर में होगी? रानी साहब के बगैर आपको पार्टी में अच्छा लगेगा? लगता है आज आप बिल्कुल उदासी के मूड में ही हैं। एनीवे पार्ट ऑफ द गेम। अच्छा मैं चलता हूँ, घर आने पर मुझे फोन जरूर कीजिएगा। अच्छा ओके राधा, चलो बेटा आज तुम्हें सर्कल से जाते हैं, बाय करो। थैंक यू। राधा तुम्हें कभी वो दिन याद आते हैं हमारी जिंदगी के? अच्छे दिन, दिन अच्छे हो या बुरे जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं, हमेशा याद रहते हैं। लेकिन अगर आपने प्रिंस को मुझसे जुदा रखा तो ये अच्छे दिन सिर्फ यादगार बन के रह जाएंगे आपके। दर्द बोला तो सुनाई।